तो हाय हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज हम खेलने वाले GTA 5। जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा, तो गाइस मैं इतने टाइम के बाद जो है वीडियो डाल रहा हूँ, करीबन 1-1.5 महीना हो चुका है वीडियो डाले हुए। लास्ट वीडियो मैंने मार्च में डाली थी, तो आपको वैसे वजह तो पता ही होगी ज़्यादातर, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूँ कि स्कूल जो है खुल चुके थे, लेकिन अभी जो है गर्मियों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो गाइज मैं जो है 1-1.5 महीने तक भर के कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइज जो है मेरा गोल रहेगा 1K सब्सक्राइबर का, अभी जो है फिलहाल 700 है कुछ करके, ऐसी कुछ हैं 700 भी हो गए थे लेकिन फिर डिक्रीज़ हो गए सब्सक्राइबर। तो गोल रहेगा गाइज 1K सब्सक्राइबर्स का, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। गाइज ये देखो, ये अपनी KTM भाई, जिन लोगों को पता नहीं है ये कहाँ से है हमारे पास जाके, यार पुराने पार्ट्स देखो। वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में सजेस्ट कर दूँ, मतलब डाल दूंगा पार्ट्स की लिंक, आप देख लेना, सारी वीडियोस बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस आज का जो है मैं आपको बता देता हूँ आज का क्या सीन है। तो गाइस फ्रैंकलिन ने मेरे को बताया कि वाइनवुड हिल्स में एक आया हुआ है सेलिब्रिटी, और उसकी गाड़ी तुम जाके मतलब चुरा लो भाई साहब, बहुत तगड़ी गाड़ी है उसकी, कुछ लैम्बोर्गिनी 63 करके बता रहा था। तो उसके लिए गाइस मेरे को एक बार एमिनेशन पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर गाइस पंगा हो सकता है हमारा पुलिस वाले से। कह रहा था सिक्योरिटी है, जैसे तुम मतलब गाड़ी में बैठ के एक्सेलरेट करोगे ना, मतलब बैठ गए तो कुछ नहीं होगा, एक्सेलरेट करोगे तुम पे 4-5 स्टार की पुलिस लग जाएगी, उसने ऐसा मुझे बताया था। तो मेरे को एक बार जाके एमिनेशन पे कुछ मैं ले लेता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, क्या पता वहाँ पंगा अगर हो गया तो भाई काम करना पड़ जाएगा। तो गाइस बस मैं यहाँ पहुँच ही चुका हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही था। भाई क्या कर रहा है भाई यहाँ पे लॉस सैंटोस के लोग, भाई पागल है, बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है। और एक तो पुलिस वाले चेक भी नहीं करते भाई लाइसेंस है कि नहीं है लोगों के पास। देख रहे हो भाई हाईवे पे गाड़ी आ रही है भाई, उसे बीच में से लानी है। एनीवेज गाइस चलते हैं भाई। ये देखो भाई, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, एकदम सामने आ जाते हैं बाइक के, इतनी स्पीड में बाइक आ रही है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, एकदम अंदर पार्किंग पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी है, फार्मेसी। तो गाइस ये देखो हम आ चुके हैं, पहले एक बार जो मैं लॉक कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है लॉस सैंटोस में कितनी गाड़ियाँ चोरी होती हैं। तो अंदर जाके देखते हैं। Just in time, ये रहा। friend. World's about to go to shit. तो गाइस यहाँ पे मैं जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ मुझे क्या चाहिए। $10,000 है हमारे पे, पिछली वीडियो में मैंने निकाले थे बैंक से पैसे, क्योंकि आपको पता ही है माइकल एकदम फ़कीर आदमी है, बहुत गरीब आदमी है। और मिस्टर मदराजो था ना उसका नाम, जो मतलब जिसका डेप्ट है $2 मिलियन, हमें उसे झुकाने हैं। तो आपको स्टोरी पता चलेगी आगे। ये रही एक हम ऐसे ले लेते हैं, सही रहेगी, और मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बहुत एक्सप्लेन करा था। तो फ्लैश लाइट नहीं चाहिए हमें, सप्रेसर ले लेते हैं और एक स्कोप ले लेते हैं भाई। $36,000 भाई, इतना अपना बजट नहीं है, आर्मी टेंट ले लेते हैं काफ़ी रहेगी भाई। रिसिप्ट वगैरह नहीं चाहिए हमें, तो पता नहीं हम गुंडे हैं बहुत बड़े। एनीवेज गाइस बाहर चलते हैं, और मैं आपको बाहर जाके एक बार दिखाता हूँ कैसी गन है, हमने इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह भी करवा रखी है। ये देखो ये रही अपनी गन, तो एक मैसेज आ गया था, मैंने उसे बस हटाया, कुछ नहीं, लोग सोचेंगे भाई क्या कैसा अलर्ट आया, बता देता हूँ। एक बार FPP में दिखा देता हूँ, ये देखो भाई ये अपना स्कोप है, 2X है, सही है, ज़्यादा लॉन्ग रेंज फायर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार जो है मैं मार्क लगा देता हूँ मैप में, तो ये लगा दिया, ये वाइनवुड हिल्स, तो यहीं पे ही मेरे को कहीं फ्रैंकलिन ने बताया। तो इस गन को अंदर कर लेता हूँ और अनलॉक करता हूँ अपनी बाइक को, ये रही। चलो गाइस अब वहाँ पे हमें बस डायरेक्ट जाना, हमें कहीं इधर उधर कुछ लेना नहीं है। और एक बार हेलमेट ज़रूर पहन लेता हूँ पीछे होके। ये देखो एग्जॉस्ट, देखो गाइस मॉडिफिकेशन करवा रखी भाई माइकल ने तगड़ी इसमें। गाइस चलते हैं फिलहाल फटाफट से, 1.30 miles दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच जाएंगे। अब ऑलमोस्ट गए 1 miles अवे हम। गाइस आज मौसम थोड़ा सा मतलब वैसा हो रहा है कि आज बारिश आएगी, लेकिन यहाँ पे देखो, ओह शिट भाई देख रहे हो, मतलब यहाँ पे आते ही मौसम बदल गया, कुछ भी होता है भाई लॉस सैंटोस में। तो गाइस ये एरिया है जहाँ पे मतलब बताया था फ्रैंकलिन ने कि यहाँ पे एक सेलिब्रिटी आया हुआ है, एक कॉन्सर्ट है यहाँ। ये देखो भाई गार्ड्स वगैरह लगवा रखे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ से जाऊँगा तो गाइस पक्का पकड़ा जाऊँगा, फायर करके देखूँ एक बार। भाई खोल दे गेट भाई, फायरिंग कर दी मैंने गलती से,
यहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, यहाँ से निकल लो गाइस, फटाफट निकल लो, ये तो नहीं खोलने वाला मुझे लग रहा है भाई, ये दिन में सपने देख रहे हैं। एनीवेज गाइस चलते हैं, ऊपर से क्या जा रहा है एरोप्लेन छोड़ो। तो मैं पीछे के रास्ते से जाना चाहूँगा, तो एक बार ऊपर चढ़ता हूँ भाई। ज़्यादा स्पीड हो गई, रुक जा भाई, बहुत स्पीड है इस बाइक में। लेकिन फ्रैंकलिन कह रहा भाई जो गाड़ी है ना वो लैम्बोर्गिनी 63 करके उसका नाम है, बहुत तगड़ी कार है वो, आप देखना। तो ऊपर आ चुका हूँ फिलहाल मैं, और यहाँ से जो है मैं बाइक को एकदम कुदाने वाला हूँ। तो ये देखो, ये है भाई वो स्टेडियम जहाँ पे कॉन्सर्ट होगा, तो सेलिब्रिटी आया हुआ है उस कॉन्सर्ट को अटेंड करने। तो यहाँ से जो एक बार मैं जंप कराता हूँ बाइक को, ये हो गई अपनी जंप। ये देखो भाई सीढ़ियाँ लगी हुई पूरी। देखो ये है उस कंसर्ट का पोस्टर, तो देख लिया आप ना। अब चलते हैं। तो फ्रैंकलिन ने बताया वो किसी वीआईपी पार्किंग में है, तो ये तो पब्लिक पार्किंग है। यहाँ पे जो भी लोग आए होंगे कंसर्ट वगैरह देखने या फिर कुछ करने आए होंगे, शॉपिंग वगैरह करने आए होंगे, तो गाड़ी खड़ी कर सकते। वीआईपी पार्किंग बता रहा था फ्रैंकलिन, तो वीआईपी पार्किंग तो अंदर ही होगी कहीं पर, देखता हूँ एक बार मैं ढूंढता हूँ। तो आगे जाके देखता हूँ एक बार आगे कहीं पर, क्या पता कौन में एक वीआईपी पार्किंग हो। तो गाइस यहाँ पे तो मेरे को कोई दिख रहा नहीं है। एक बार ये एक जगह है, इसके अंदर एक बार घुमा के देखता हूँ बाय चांस अगर यहीं पे खड़ी हो। वो रही गाइस, ये रही, यही है शैन कलर की अपनी लैम्बोर्गिनी। तो एक बार जो है मैं केटीएम को उधर साइड से लगा देता हूँ। और मेरे को फ्रैंकलिन ने एक मास्टर की भी दी थी कि मैं मतलब लैम्बोर्गिनी को अनलॉक कर सकता हूँ। तो हेलमेट उतार के देखो, ये भाई लैम्बोर्गिनी SVJ63 भाई, पूरी देखो कस्टमाइज है, 63 भी भाई सब पूरी कस्टमाइज है। SVJ भाई पूरे एकदम बढ़िया करवा रखा है इसने, और सेलिब्रिटी ने, लेकिन हम इसे और भी मॉडिफाई करवा देंगे। तो ये देखो, ये जो की है इससे मैं अनलॉक कर सकता हूँ। ये देखो गाइस एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया है। तो गाइस मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊँगा कम से कम 4 स्टार की पुलिस पड़ेगी, तो मुझे रेडी रहना होगा। तो एक बार जो है मैं अपनी KTM को लॉक कर देता हूँ, KTM तो शायद लॉक ही है, उसमें अनलॉक का ऑप्शन आता। तो चलते हैं गाइस फटाफट से, और मुझे कहीं जल्दी से भगानी पड़ेगी, 4 स्टार की पुलिस बहुत हार्ड रहता है भाई उससे बचना, आपको पता ही होगा वैसे। तो मैं आगे बढ़ा, देखो भाई 4 स्टार की पुलिस पड़ गई भाई। भाई साहब क्या स्पीड है इस गाड़ी में गाइस, मैंने बस W एकदम टच करा और इतनी स्पीड, ओ भाई पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, इतनी सारी पुलिस आ गई इतनी जल्दी। भाई साहब मैं कह रहा था आपसे कि यहाँ पर कांड होने वाले कर रहे, इसलिए मैंने AKM खरीदी थी, लेकिन मुझे लगता नहीं काम पड़ेगा उसका, क्योंकि बस मेरे को यहाँ से भगानी है गाड़ी, मुझे पंगा लेना ही नहीं है। बाइक कंट्रोल नहीं हो रही है भाई, क्या गाड़ी है भाई, इसमें ब्रेक वगैरह कुछ होती हैं। हट जा पुलिस वाले भाई, तू उड़ जाएगा एक ठक्कर में, उड़ जाएगा। चलो गाइस अभी इतनी स्पीड में मैं दौड़ा रहा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो भाई इनने भाई साहब कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है एरिया। ले बेटा ले, भगा लो भगा लो, मतलब ड्राइविंग प्लस हो ही साइकिल की भाई, क्या कर रहे हैं पुलिस वाले तुम्हें पता है। अभी रुक जाओ गाइस, एक बार हाईवे पे मैं एक बार चढ़ गया ना, इसकी स्पीड चढ़ गई भाई, स्पीड चढ़ गई। ये देखो 230 किलोमीटर पर आर, अभी तो गाइस कुछ मॉडिफाई भी नहीं करवा रखा हमने। KTM तो पूरी मॉडिफाइड है, फिर भी वो करीबन इतनी स्पीड टच करती है 200 के आसपास, फुल स्पीड बता रहा हूँ। यहाँ से गाइस लेफ्ट ले लेते कहीं, मतलब जाके हमें छुपना पड़ेगा। तो एक टनल है, मैं जब मतलब फर्स्ट मिशन कर रहा था मैं उसमें घुस गया था, तो वहीं पे जाते हैं, कहीं इसी एरिया में था वो टनल। मतलब हाईवे से भी है एक, और यहाँ से वो निकलता है हाईवे में वो, तो मतलब इधर से हम जाएंगे तो हाईवे से निकल जाएंगे। तो ये देखो ब्लिंप हो रहे हैं, लेकिन भाई देख लिया इन लोगों ने, फिर से देख लिया। ये है नहीं, थोड़ा आ गया है वो, इससे आगे वाले में ही हैं वो, को दिखा दूंगा। ये रहा, ये है गाइस, ये एकदम इसमें लेफ्ट लेके अंदर चलते हैं। ये देखो पूरा पानी गाइस, यहाँ पे गाड़ी कंट्रोल नहीं होने वाली मैं बता रहा हूँ। ऊपर से गाइस गोलियाँ वगैरह भी पड़ चुकी हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन मुझे लग रहा नहीं है इसमें कुछ बिगड़ा है गाड़ी का। ये देखो एकदम एग्जॉस्ट देखो, बिना मॉडिफाइड कुछ भी मॉडिफाई नहीं करवा रखा, अब मॉडिफाई करवा के गाइस एकदम कर रही लगेगी गाड़ी। ये देखो अभी स्टार्स हटे नहीं है, तो मैं थोड़ा देर ही घुमा लेता हूँ गाड़ी को। ये देखो गाइस
तो मैं आगे से जाऊंगा, आगे से चलते हैं, निकल जाएंगे हाईवे से, पीछे से चल लेते हैं हाईवे पे और पकड़ लेगी पुलिस हमें। भाई ठुकर रही है यार ये गाड़ी, ये जो गाइस कंट्रोल नहीं हो रही, स्टार्स बस हटने वाले, हट गए। चलो गाइस चलते हैं, अपने स्टार्स हट गए। गाइस यहाँ पे अभी अगर मैं हाईवे से जाऊँगा ना आगे से तो दिक्कत आएगी, मतलब थोड़ा चलना पड़ेगा, यहीं से निकल जाते हैं। ओ भाई ओ शिट गाइस, भाई बस मैंने एक सेकंड तक लगातार, ये आदमी देखो यहीं पे बैठते रहते हैं भाई साहब, इन्हें कोई काम धंधा नहीं है। तो छोड़ो गाइस, अभी जो है मैं माइकल का घर मार्क लगा देता हूँ, नहीं नहीं पहले मॉडिफिकेशन करवा देंगे। तो यहीं कहीं पे लॉस सैंटोस कस्टम्स केरी सबसे क्लोजेस्ट है हमारे, सबसे क्लोज है हमारे, तो चलते हैं। यहीं से निकल जाएगी क्या? नहीं नहीं यहाँ से नहीं निकलेगी। चलो चलो आगे से निकालते हैं। भाई ये गाड़ी तो पूछो मत, बस मैं गलती कर रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब टाइट पकड़ के रख रहा हूँ ना डब्ल्यू को, अब टाइट पकड़ लिया। देखो स्पीड देखो गाइस 240 बिना मॉडिफाइड, भाई कुछ भी मॉडिफाई नहीं करवा रखा, और गियर भी मैंने अभी बढ़ाया नहीं है, चौथे गियर भी चल रही गाड़ी, गियर बढ़ाया मैंने भाई, मज़े आ गए। तो मॉडिफाई भी करवानी, गई गई हो गया काम। तो चलो गाइस बस 1.2 माइल्स का रास्ता पहुंच जाएंगे, 4-5 किलोमीटर दूर होगा भाई। अब थोड़ा कंट्रोल आ रहा है मेरे को इस गाड़ी के ऊपर, जब मैंने पहली बार चलाई थी भाई साहब उड़ गई थी हवा में, आपने देखा ही होगा, दो पहियों पर चल रही थी। पुलिस आ रही है भाई, मुझे ना देख ले, नंबर प्लेट वगैरह बदलवानी पड़ेगी गाड़ी की। ये देखो इंटीरियर तो दिखाया ही नहीं मैंने आपको, देख रहे हो गाइस पूरा एनालॉग, डिजिटल एनालॉग है इसमें। अरे यार हट जाओ भाई, पता नहीं लैम्बोर्गिनी आ रही है अभी इसमें गाइस, तगड़े वाले एग्जॉस्ट लगने पर भाई, यहाँ पे इतने लोग भाई, क्या ट्रैफिक है। तो गाइस मैं कहता हूँ इसमें तगड़े वाले एग्जॉस्ट भी लगने हैं अभी, तो फिर देखना आप कैसे धुर्राटे काटेगी। यहाँ से एकदम लेफ्ट है, ये देखो एग्जॉस्ट भाई, फायरिंग देखो कार की। तो गाइस ये वाली गाड़ी इसलिए चुराई थी हमने गाइस, माइकल पे कोई अच्छी कार नहीं थी, बाइक भी नहीं थी। फ्रैंकलिन तो भाई साहब तुम्हें पता ही, उसके काम धंधे चलते रहते हैं, वो तो अपना कैसे जुगाड़ कर लेगा। और एक थर्ड प्रोटैगनिस्ट भी है गाइस है इस गेम में, आपको पता ही होगा ट्रेवर, वो अभी इससे मुलाकात नहीं हुई हमारी, होगी मिशन में। ये देखो लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर SVJ63 कूप, सुपर कार्स में आती है, पूरा नेम पता चल गया, रिपेयर करवा दे पहले। अभी तो हमारे पास इतने वो नहीं है पैसे, मुझे लग रहा है मेरे को फ्रैंकलिन को एक बार कॉल लगाना पड़ेगा। तो गाइस फ्रैंकलिन ने जो है हमारे अकाउंट में डलवा दिए हैं $50,000, तो इससे जो हम पूरा मॉडिफाई करवा सकते हैं, $10,000 पूरा अच्छी तरीके से मॉडिफाई करवा देता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। तो गाइस बस ऑलमोस्ट जो है मॉडिफाई करवा दिए, तो ऐसी जो होड़ी अच्छा लगेगा, सही लग रही है अब देखो, पहले से अच्छी लग रही है। और इसमें इंजन रिमूव द हुड, यही अच्छा लग रहा है, यही रहने देते हैं, इससे तो पूरी होड़ी हट जाएगी, कवर लेके रखते हैं, बढ़िया है। चलो अब सही है गाइस, और लाइट्स नियॉन किट्स, नियॉन कलर साइड्स में सही रहेगी। चलो गाइस ये लिवरी है, एक लिवरी आपको पता ही होगा पूरा एकदम अलग से पेंट होता है, तो ये वाली लिवरी बढ़िया लग रही है, थोड़े ऑरेंज और ग्रीन टाइप बढ़िया लग रही है। SVJ रूफ ही सही है, अब सही है गाइस, अब एकदम पूरी जो है मेरे हिसाब से मॉडिफाई हो चुकी है, बाहर चलते हैं। एकदम तगड़ी, मतलब मैंने एकदम हाई एंड मॉडिफिकेशन करवा दिया, आप देखना आप अब आप अलग ही फीलिंग आएगी। अब ये देखो देख रहे हो गाइस, तो अब जो है देखो नंबर प्लेट भी मैंने चेंज करवा दी, ये टेम्प्ररी है, मैं इस पर माइकल की कुछ कस्टमाइजेशन वाली नंबर प्लेट करवाऊंगा, अभी तो मैंने बस टेम्प्ररी करवाई है।
ये देखो गाइस, फायरिंग देखो, ये है भाई बढ़िया वाला एग्जॉस्ट। एलॉय व्हील्स देख रहे हो गाइस, स्टार वाले एलॉय व्हील्स लगवा दिए, काफ़ी तगड़ा खर्चा हुआ है हमारा। वैसे हमारा नहीं, फ्रैंकलिन के अकाउंट से डलवाए थे हमने तो। फ्रैंकलिन चलो अपना दोस्त ही है, चलो माइकल कर सामने ही है वैसे, ज़्यादा मार्क लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी लगा देता हूँ, सही रहता है। चलते हैं गाइस, एक आधा किलोमीटर दूर है बस। अब देखो कंट्रोल मेरे को थोड़ा आ रहा है इस गाड़ी पे, अब कि मुझे पता चल रही है कैसे कंट्रोल करना है, बस एक बार प्रेस करना है फिर अपने आप स्पीड चलेगी। हाईवे देखो, अब देखो स्पीड कितनी टच कर रही है गाड़ी, कर रही मॉडिफिकेशन करवा दी एकदम बढ़िया वाली, मेरा हल्के से टच करने पे उड़ रही है, थोड़ा आगे चले गए। अरे ठुक गई। आर्मर भी गाइस मैंने एकदम टॉप एंड वाला करवा रखा है, ये देखो फ़र्क नहीं पड़ेगा अब ज़्यादा कुछ, ये देखो एकदम कुछ फ़र्क पड़ रहा है। चलो गाइस अंदर चलते हैं, ये देखो ये अपनी पुरानी वाली गाड़ी और ये अपनी नई वाली गाड़ी, इसे मैं जो है अंदर ही खड़ी कर देता हूँ, गैरेज में तो नहीं जगह नहीं रहेगी। तो बस आज के व्लॉग में गाइस इतना ही था, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइस ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, हमें 1K सब्सक्राइबर जल्दी से रीच कर रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस ज़रूर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। Again.